नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल सिविल सर्विसेज विद आलोक में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए, लास्ट वीडियो हमने FB टेलर का महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत देखा था। अब आज के लेक्चर में हम देखेंगे वेगनर का महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी ऑफ वेगनर। वेगनर जो थे, अल्फ्रेड वेगनर नाम है इनका, ये जर्मन मौसमविद थे और इन्होंने महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत दिया है। इनके अनुसार वेगनर का मानना है कि यदि सभी महाद्वीपों को, जो आपके अमेरिका, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, एशिया, सभी महाद्वीपों को अगर मिला दिया जाए तो वो एक रूपता दी जा सकती है। कहने का आशय यह है कि वो एक रूप में लाए जा सकते हैं। इस प्रकार से उनका डिवीजन है कि अगर उनको मिलाया जाएगा तो वे एक रूप में आ सकते हैं। इनके यही कहना है कि जो एक रूपता है उसी को इन्होंने कहा है कि ये स्थिति जो है वो साम्य स्थापना, जिग सफिट स्थिति उन्होंने कहा इसको, एक कंडीशन है। इनका कहना है कि एक समय कार्बोनिफेरस, जो आपका युग है वो एक टाइम है, एक समय है। कार्बोनिफेरस युग में सभी स्थलखंड आपस में जुड़े हुए थे। जितने स्थलखंड आपको अभी दूर दूर दिख रहे हैं, इधर अमेरिका है, इधर दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका है, एशिया है, ऑस्ट्रेलिया है, तो इनका कहना यह है कि आज ये कार्बोनिफेरस युग में एक समय है। ये उस समय में जितने भी स्थलखंड है ये सभी एक साथ जुड़े हुए थे और इस जुड़े हुए खंड को इन्होंने क्या कहा है, पैंजिया। आपके जो FB टेलर का सिद्धांत देखा था उसमें उन्होंने कहा था कि दो स्थलखंड है, एक आपका लॉरेंसिया है जो उत्तरी ध्रुव के पास है और एक आपका दक्षिणी ध्रुव के पास है, उसे बोला था उन्होंने गोंडवानालैंड। दो स्थल बताए थे, बाकी महासागर। पर इनका कहना है कि सिर्फ एक ही स्थल था और उस स्थल को इन्होंने कहा है पैंजिया नाम दिया है। ये नाम दिया है कि कार्बोनिफेरस एक युग है, उस समय सिर्फ एक पैंजिया था, एक स्थल भाग था और उसके चारों ओर महासागर था। उस महासागर को इन्होंने नाम दिया है पैंथलासा। अब कहा है इन्होंने कि कार्बोनिफेरस युग से इस पैंजिया का, ये स्थलखंड है एक, इसका विभाजन शुरू होता है। इसका विभाजन शुरू होता है और विभाजन का कारण क्या है, तो इन्होंने कहा गुरुत्व बल और ज्वारी बल, इन बलों के कारण इस स्थलखंड का विभाजन शुरू होता है। और विभाजन किस प्रकार से होता है, तो मान लीजिए कि ये लाइन है, यहां से इसका विभाजन हो रहा है तो आधा भाग इसके उत्तर की ओर इसका प्रवाहित हो जाएगा और इसका आधा भाग दक्षिण की ओर प्रवाहित हो जाएगा। तो जो भाग इसका उत्तर की ओर प्रवाहित हुआ है उसे हम बोलते हैं अंगारा लैंड, मतलब वेगनर महोदय ने उसे अंगारा लैंड नाम दिया। ये हो गया आपका अंगारा लैंड। और जो भाग दक्षिण की ओर प्रवाहित हुआ, ये वाला भाग, उसे इन्होंने नाम दिया गोंडवाना लैंड। देखिए, FB टेलर का जो सिद्धांत था, इसके पहले जो मैंने पढ़ा था उसमें उन्होंने कहा था कि दो स्थलखंड है। ऊपर वाले को उन्होंने कहा था जो उत्तरी भाग में है, उन्होंने उसको कहा था कि ये लॉरेंसिया है, दक्षिणी भाग में गोंडवाना लैंड। गोंडवाना लैंड इन्होंने भी माना है, लेकिन इनके अनुसार सिर्फ एक ही स्थलखंड था और जब वो डिवाइड हो गया तो जो भाग उत्तर की ओर प्रवाहित हुआ उसको अंगारा लैंड नाम दिया और जो दक्षिण की ओर प्रवाहित हुआ उसको गोंडवाना लैंड नाम दिया। अब देखिए, जो इस समय हमारा मैप में, जो इस समय आप देखेंगे, जो आपका उत्तरी अमेरिका है वो आपका विषुव रेखा के उत्तर में है, तो जो उत्तरी अमेरिका है, एशिया है और आपका यूरोप है, तो ये जो भाग है इसको उन्होंने कहा कि ये अंगारा लैंड का भाग है। इस पूरे क्षेत्र को इन्होंने कहा है कि ये जितने भी पार्ट है ये अंगारा लैंड के हैं। और जो आपका दक्षिण में भाग है, जो आपका दक्षिणी अमेरिका है, अफ्रीका है, मेडागास्कर है, ऑस्ट्रेलिया है, जो भारत है, इसको इन्होंने कहा है कि ये गोंडवाना लैंड का भाग है। भारत उत्तर की ओर बाद में प्रवाहित हुआ, तो जब भारत का प्रवाह, भारत कहां पे था, तो आपका अफ्रीका से, मान के चलिए अफ्रीका के पास था। अब भारत जब उत्तर की ओर प्रवाहित हुआ तब जो एरिया बचा, जो क्षेत्र खुला, उसे उसमें पानी भरने से, महासागर का जल भरने से, उसका नाम दिया गया हिंद महासागर। अब देखिए, ये जो अंगारा लैंड ऊपर जा रहा था और ये गोंडवाना लैंड जो नीचे जा रहा था, तो इसके बीच में महासागर का जल भर गया, तो फिर जो उससे जो महासागर बना, यानी कि इस पार्ट के ऊपर प्रवाहित होने से और आधे पार्ट के नीचे प्रवाहित होने से बीच में जो खाली जगह आई उसमें जो जल भर गया, उस जल से बने सागर को बोला गया टेथिस सागर। अब आपका ये उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका ये पश्चिम में प्रवाहित हो गए, तो जब ये पश्चिम में प्रवाहित हुए तो इनके बीच में जल भर गया, उससे बोला गया अटलांटिक महासागर। चलिए देखते हैं कि जो वेगनर है, अल्फ्रेड वेगनर, उनका जो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट की का सिद्धांत है वो क्या कहता है। देखिए, ये आपका कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी है।
अल्फ्रेड विग्नर ने कहा था कि एक ही सुपर कॉन्टिनेंट है जिसे उन्होंने पेंजिया नाम दिया था, ठीक है, और इसके चारों ओर जो ये जल भरा है जिसे महासागर है उसे उन्होंने कहा था पैंथलासा। और आपके जो FB टेलर महोदय हैं उन्होंने कहा था कि दो कॉन्टिनेंट है, एक है उत्तरी साइड में एक है दक्षिणी साइड में, उसे उन्होंने जो आपका उत्तरी ध्रुव के सब तरफ था उसे बोला था लॉरेशिया, और जो दक्षिणी ध्रुव के ओर था उसे बोला था गोंडवाना लैंड, ठीक है। देखिए जो आपके विग्नर का सिद्धांत है वो कहते हैं कि एक सुपर कॉन्टिनेंट है जिसका डिवीज़न होता है, जब इसका डिवीज़न होता है तो एक भाग उत्तर की ओर जाता है और एक भाग दक्षिण की ओर जाता है। उत्तर की वाले भाग को उन्होंने कहा था ये है अंगारा लैंड, अंगारा लैंड, और जो दक्षिण वाला भाग है उसको उन्होंने कहा था कि यह है गोंडवाना लैंड, ये दक्षिण वाला जो भाग है यह है गोंडवाना लैंड। अब ये जो महासागर है आपका, ये जब बीच में स्पेस बना इसमें ये पैंथलासा का जल भर गया तो इसे बोले हैं टेथिस सागर, और यही डिवीज़न। देखिए आपका इंडिया कहाँ पे है, तो ये देखिए ये है आपका इंडिया, ये हमारा प्यारा भारत, और ये जाके किधर, ये आपका यहाँ पे दिख रहा होगा, ठीक है। तो ये जब डिवीज़न हुआ है तो ये इंडिया आपका जब उत्तर की ओर गया है तो इसके बीच में जो स्पेस आया उसमें जो जल भरा उसे बोलते हैं हिंद महासागर। अमेरिका उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका ये जब पश्चिम की ओर मूव किए हैं तो बीच में जो खाली स्पेस आया उसमें जो जल भर गया है तो उसे बोलते हैं अटलांटिक ओशन। और जो आपका पैंजिया था उसका अवशिष्ट भाग है उससे हम बोलते हैं अंटार्कटिका, ये देखिए अंटार्कटिका है अंटार्कटिका। और जो आपका पैंथलासा था उसके अवशिष्ट भाग को हम बोलते हैं पैसिफिक ओशन या प्रशांत महासागर। तो ये है आपकी कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। देखिए वेगनर ने अपने सिद्धांत, वेगनर का जो सिद्धांत है उसके कुछ साक्ष्य हैं। अटलांटिक महासागर के दोनों तटों पर भौगोलिक एकरूपता पाई जाती है। अटलांटिक महासागर है इसका इधर उत्तरी अमेरिका दक्षिणी अमेरिका है, इसके पूरब इसके एक साइड में यूरोप है और अफ्रीका है। तो अटलांटिक महासागर के दोनों तटों पर भौगोलिक एकरूपता का मतलब यह है कि अगर बीच से महासागर को हटा दिया जाए तो वो दोनों अगर तटों को मिला दिया जाए तो आपको पता चलेगा कि वो एक ही है, जैसे टूटा हुआ मैं आपको प्रतीत होगा। दोनों तटों के पर्वतों में भी समानता पाई जाती है। जो अटलांटिक महासागर है अटलांटिक ओशन है उसके दोनों तटों पर पर्वतों में समानता है। एक है आपका ग्लोसोप्टेरिस, ये वनस्पति है, तो ये वनस्पति आपकी भारत में भी पाई जाती है, दक्षिण अफ्रीका में, ऑस्ट्रेलिया में, अंटार्कटिका में। तो इसी वनस्पति का इतने देशों में पाया जाना इस बात का प्रूफ है कि कहीं ना कहीं ये मतलब पास्ट में एक साथ में जुड़े हुए होंगे। इसी प्रकार लैमूर भारत, मेडागास्कर और अफ्रीका में मिलते हैं। अगर आपको हमारे लेक्चर से संबंधित किसी भी प्रकार की कोई समस्या है, अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है या आपको कोई क्वेरी है तो आप हमें या तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं या हमें इंस्टाग्राम पे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, तो हम आपको सोल्यूशन प्रोवाइड करवा देंगे। देखिए अब देखते हैं यहाँ की प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी क्या है। तो इसका प्रतिपादन किया था हैरी हेस ने और इसकी व्याख्या की थी WJ मॉर्गन ने। चलिए देखिए, जो स्थलीय दृढ़ भूखंड है जिस सतह पे, ये पृथ्वी है आपकी, हम लोग यहाँ पे बाहर रहते हैं इसके सतह पे, तो इस तरह ये सतह जो है वो पूरी कई प्लेट में, 7 बड़ी प्लेट है, 21 लगभग छोटी प्लेट है। तो ये जो पृथ्वी है वो कई प्लेटों में विभाजित है, ये प्लेटें हैं इसकी, ठीक है। जो आपका ये जो आपकी पृथ्वी है कई प्लेटों में विभाजित है, और इसी पर हम लोग जो है जो पहाड़ पर्वत या आपके जो समुद्र है ये सब उसी प्लेट के ऊपर है, हम लोग जो है हम भी किसी प्लेट के ऊपर है। देखिए स्थलीय दृढ़ भूखंड को, इसी ये स्थल का जो कठोर भूखंड है इसी को हम बोलते हैं प्लेट। दुर्बल ये कहां पे, ये आपका एरिया है लास्ट जो जिसपे ये प्लेट मूव कर रही है, इसको बोलते हैं आपको दुर्बल मंडल। हमने वीडियो में पढ़ाया हुआ है कि दुर्बल मंडल या एस्थेनोस्फीयर क्या होता है, ठीक है। देखिए दुर्बल मंडल पर ये क्षैतिज अवस्था में गतिशील रहती है ये प्लेट, इसी दुर्बल मंडल पर ये हल्का सा अर्ध तरल अवस्था में रहता है, ये दृढ़ है ये अर्ध तरल अवस्था में है, तो इस पर ये दृढ़ प्लेट क्षैतिज अवस्था में गतिशील रहती है। प्लेट के स्वभाव और प्रवाह से संबंधित अध्ययन को हम क्या बोलते हैं, प्लेट। प्लेट क्या है तो दृढ़ भूखंड। अब इसके स्वभाव प्लेट के और इसके प्रवाह से संबंधित जो भी हम अध्ययन करते हैं उसको हम बोलते हैं प्लेट टेक्टोनिक, प्लेट विवर्तनिकी। अब देखिए
प्लेटें अपने ऊपर स्थित महाद्वीप और महासागरीय भागों को अपने प्रवाह के साथ स्थानांतरित करती हैं। जो आपके महाद्वीप है जिस पर, जैसे कि अमेरिका जिस पे हम लोग रहते हैं, और जो महासागरीय भाग है, तो महाद्वीप और महासागर इन दोनों भागों को ये प्लेट के ऊपर है भाग, ये प्लेट अपने साथ ही प्रवाहित कराती है महाद्वीपीय प्रवाह। अब बात यह आती है कि भाई हम अध्ययन क्यों करते हैं इसका, तो अध्ययन इसलिए करते हैं ये किसकी व्याख्या करता है, तो महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत, ध्रुवीय परिभ्रमण, द्वीपीय चाप, समुद्र तली प्रसरण, सी फ्लोर स्प्रेडिंग, महासागरीय कटक। अभी आपको ये सारी चीजें डिटेल में पढ़ाई जाएंगी, तब आपको समझ में आएगा कि आखिर ये प्लेट है क्या। जब हम प्लेट के बारे में अध्ययन करेंगे, अभी तो हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि ये प्लेट है क्या, फिर हम अभी अध्ययन करेंगे कि ये प्लेट मूव कैसे करती है, फिर अगर टकराएंगी तो कैसे क्या होगा, पर्वत बनेगा, अगर दूर जाएंगी तो क्या होगा, तो ये आपको सब समझ में आएगा, सब चीजें लिंक हो जाएंगी एक दूसरे से। चलिए प्लेट देख लेते हैं। देखिए ये जितनी भी आपकी दिख रही हैं ये प्लेट्स हैं, ये जो आपके ब्लैक कलर के अंदर में दिख रही हैं ये आपकी प्लेट्स हैं। देखिए ये है आपकी नॉर्थ अमेरिकी प्लेट, ये साउथ अमेरिकी प्लेट, ये अफ्रीकी प्लेट, यूरेशियन प्लेट, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, इसी तरह से बहुत छोटी छोटी प्लेट्स हैं आपकी, जैसे ये कोकोज प्लेट हो गई, ये कोकोज प्लेट है, ये नजका प्लेट है, ये फिलीपीन प्लेट है, ये आपकी इंडियन प्लेट है, ये आपकी पैसिफिक प्लेट है। तो देखिए प्लेट क्या है, इसको आप इस तरह से समझ सकते हैं, जैसे आप बर्थडे मनाते हैं किसी का, तो एक केक जो है वो आप किसी प्लेट पे रख के ला रहे हैं, तो वो प्लेट सेम यही प्लेट है, जो केक है उसको आप स्थलखंड समझ सकते हैं कि जिस पे हम लोग हैं, जिस पे ये महाद्वीप, जिस पे अमेरिकी वासी रहते हैं, ये देखिए ये साउथ अमेरिकी प्लेट है, ये कॉन्टिनेंट है आपके, देखिए ये जितने हैं ये आपके कॉन्टिनेंट है, महाद्वीप कहलाते हैं, ठीक है ये। लेकिन जो आपके या जो आपका ये एरिया है जो नीले रंग का दिख रहा है, ये पैसिफिक ओशन वाला एरिया है, ये आपका महासागर कहलाता है, ये आपका महासागर है पैसिफिक ओशन, ये आपका अटलांटिक ओशन है, ये अटलांटिक ओशन है, अटलांटिक ओशन है आपका, ये हिंद महासागर है, इंडियन ओशन है, ये आर्कटिक ओशन है इस साइड में। देखिए तो प्लेट में कह रहा था कि जैसे आप किसी प्लेट पे केक रख के लाते हैं, तो केक को आप स्थलखंड समझिए, ये केक को आप ये स्थलखंड समझिए, और वो प्लेट जिस पे आप केक रख लेते हैं वो सेम इसी तरह के, तो पृथ्वी के अंदर प्लेट है, डिवाइड है पूरी पृथ्वी हमारी कई प्लेट्स में डिवाइड है, और उसके ऊपर ही ये भूखंड है, जैसे कि ये पानी जो भरा है, जो महासागर है, ये भी किसी प्लेट के ऊपर ही भरा है, तो इस तरह से आप समझिए इसको। तो ये पूरी पृथ्वी, पूरा जो ग्लोब है, पूरी पृथ्वी कई प्लेट्स में डिवाइड है बीच बीच में, ऐसे कहीं महाद्वीप है, कहीं महासागर है, और कहीं किसी प्लेट में दोनों है, एक तरफ से महासागरीय प्लेट है, एक तरफ से महाद्वीपीय प्लेट है। आप लोगों को अगर आप बीट लगा के हेडफोन लगा के सुन रहे होंगे वीडियो, तो कुछ गाने आपको सुनाई पड़ रहे होंगे, वो कहीं शादी है, हम उनको मना नहीं कर सकते, वो एंजॉय कर रहे हैं, आप लोग भी एंजॉय करिए, लेकिन पढ़ाई करने के साथ। तो चलिए प्लेट हमारी जो है, मान लीजिए, मानिए नहीं ये ऐसा है, ये हमारी पृथ्वी है, ये इस पर प्लेट है, मान लीजिए कि ये एक प्लेट है पृथ्वी पर, और इस पर हिमालय पर्वत है, या इस पर भारत की भारतीय प्लेट मान लीजिए ये है, ये हमारा प्यारा भारत है इसके ऊपर। अब देखिए अभी बात हुई थी कि प्लेटों की गति हो रही है, मूवमेंट हो रही है, क्या होगा इसके नीचे, ये आपकी पृथ्वी है, ये आपकी भारतीय प्लेट है, ये सतह है पृथ्वी की, इसके नीचे यहां पे आपका मान लीजिए एस्थेनोस्फीयर है, ये है आपका दुर्बल मंडल, ठीक है, ये आपकी पृथ्वी की सतह है, ये आपकी भारतीय प्लेट है, इसी के ऊपर हमारा भारत है। अब इसके नीचे जो ये सतह है जिस पे हम लोग खड़े हैं, इस क्रस्ट के नीचे एक मंडल है जिसे हम बोलते हैं दुर्बल मंडल, ये अर्ध तरल अवस्था में हल्का सा लिक्विड ही है, इसके ऊपर ये प्लेट, ये भारतीय प्लेट पूरी है, पूरी भारतीय प्लेट है, ये पूरी भारतीय प्लेट इसके ऊपर तैर रही है, समझ लीजिए। तो अब गति कर रही है, तो इस गति का कारण क्या है, आखिर क्यों ये प्लेटें जो है वो दुर्बल मंडल के ऊपर मूव करती हैं, कारण क्या है। देखिए ये है आपका पृथ्वी का घूर्णन, पृथ्वी अपने एक्सेस पे रोटेट कर रही है एंटी क्लॉकवाइज। तो देखिए रोटेट करने पे क्या है कि चूंकि पृथ्वी का बीच वाला भाग जो भूमध्य रेखीय भाग है वो उभरा हुआ है, और उसका व्यास जो है वो ध्रुवों की तरफ के क्षेत्र के तुलना में अधिक है, तो इस वजह से जो आपका रोटेशन होगा वो भूमध्य रेखा पर तीव्र गति से होगा, और ध्रुवों पर
स्लो मोशन में थोड़ा होगा, तो जब भूमध्य रेखा पे रोटेशन तीव्र होगा तो वहां पे अप केंद्र बल जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वो भी तीव्र लगेगा, और ध्रुवों के साइड में जो अपकेंद्र बल है वो कम लगेगा, तो इस वजह से जो ध्रुवों की तरफ की प्लेट होंगी वो आपके भूमध्य रेखा की ओर प्रवाहित होंगी। ये भी एक कारण है आपका पृथ्वी का घूर्णन प्लेटों की गति का कारण। दूसरा आप देखिए हॉट स्पॉट, ये आपकी है आपका दुर्बल मंडल, ये आपकी प्लेट है भारतीय प्लेट मान लीजिए, ये आपकी सतह है पृथ्वी की, ये सतह है, तो इस सतह के नीचे कहीं रेडियोधर्मी पदार्थ है। अब रेडियोधर्मी पदार्थ जो है उनकी अधिकता के कारण भूतापी ऊर्जा उत्पन्न होती है, उनका विघटन होता है तो ऊर्जा उत्पन्न होती है, तो ये भूतापी ऊर्जा मान लीजिए यहाँ पे कहीं भूतापी, यहाँ पे कहीं रेडियो सक्रिय पदार्थ है और इनका विघटन हुआ ऊर्जा निकली, ये भूतापी ऊर्जा ऊपर की ओर आएगी, ये ऊपर की ओर बढ़ रही है, ये भूतापी ऊर्जा है, ये ऊर्जा ऊपर की ओर बढ़ रही है, यहाँ रेडियो सक्रिय पदार्थ है उसका विघटन हुआ ऊर्जा निकली और ये ऊपर की ओर बढ़ी, ये सतह तक आएगी, ये सतह तक आ रही, सतह से टकराने के बाद हमारे जिस पे हम लोग खड़े हैं इस क्रस्ट के अंदर ये काम हो रहा है, पृथ्वी के इस पृथ्वी के अंदर ये काम हो रहा है, ये सतह तक आ रही है, सतह के आने के बाद कुछ भूतापी ऊर्जा इधर प्रवाहित होगी टकरा के यहाँ से, अब कुछ इधर प्रवाहित होगी, अब जब ऊर्जा इधर प्रवाहित होगी और उधर प्रवाहित होगी तो यही ये भी एक कारण है कि इससे प्लेट भी इधर प्रवाहित होने लगती है, या जो भूतापी ऊर्जा दूसरे साइड में प्रवाहित होगी तो प्लेट को भी वो धीरे धीरे अपने साथ प्रवाहित कर ले जाती है, ये भी एक कारण है आपका प्लेटों की गति का। अब देखिए ये जो ऊर्जा है जो संवहनी तरंगों, संवहनी तरंग मतलब जो ऊपर उठती हुई तरंगे हैं, संवहनीय तरंगों के रूप में ऊपर उठती है और प्लेट की निचली सतह पर आती है, इसको हम प्लूम बोलते हैं, ये एग्जाम में आया हुआ है प्लूम क्या होता है, तो संवहनीय तरंगे जो पृथ्वी के अंदर है और आके सतह तक आती है उसी को हम प्लूम बोलते हैं। आज के वीडियो में इतना ही, आप लोग नोट्स बनाते रहें, पढ़ाई करते रहें, क्योंकि हर एक लेक्चर जो है वो पिछले लेक्चर से लिंक रहता है और अभी बहुत कुछ पढ़ना है, बहुत कॉन्सेप्चुअल है तो आपको समझ में सब आएगा। हम अभी क्वेश्चन नहीं करा पा रहे हैं इधर, अभी क्वेश्चन भी आपको कराएंगे, जिस दिन हम क्वेश्चन आपको कराएंगे आपको अगर आप पढ़े होंगे तो आप सारे क्वेश्चन कर लेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।